नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल बी टाउन हलचल में। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो हुआ है उसके ऊपर अभी तक बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार चुप है, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन भी शामिल है। ऐसे में बहुत सारे लोग ट्विटर में एक ट्रेंड चला रहे हैं, हैशटैग बॉलीवुड की बुड्ढा। लेकिन आपको बता दूं, शाहरुख खान को पर्सनली ज्यादा अटैक किया जा रहा है और शाहरुख खान को निशाना पे लेके बहुत सारे ट्वीट्स भी किया जा रहा है, क्योंकि शाहरुख खान जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी रहे हैं। तो ऐसे में शाहरुख खान से लोग पूछ रहे हैं, जब जामिया में इस तरीके की घटना हुआ है तब शाहरुख खान कैसे चुप रह सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं वीडियो में कि शाहरुख खान करे भी तो क्या करे, शाहरुख खान अगर चुप रहते हैं तो आप लोग चिल्लाते हैं और शाहरुख खान अगर कुछ भी रिएक्शन दे तो उनके पीछे बहुत सारे वक्त लग जाते हैं, उनके पीछे पॉलिटिशियंस लगा दिया जाता है, उनको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है, उनको पाकिस्तानी कहा जाता है। ऐसे में शाहरुख सर को बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसे में शाहरुख सर की चुप्पी शाहरुख सर की अंडर प्रेशर की ही बात कर रहे हैं। शाहरुख सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और बहुत ही ज्यादा सैड हैं इस चीज से। लेकिन उनकी रिएक्शन ना देने से उनको गालियां मत दीजिए। उनके अंदर क्या चल रहा है ऐसे सर के फैंस में गेस कर सकता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा दुखी होंगे इस मैटर से। लेकिन अपने रिएक्शन वो बहुत कुछ चीजों के लिए नहीं जाहिर कर पा रहे हैं, जबकि बहुत सारे सर के फैंस भी ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सर के फैंस भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं शाहरुख सर से कि प्लीज सर आप अपने रिएक्शन दीजिए अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी शाहरुख सर अच्छे कुछ कहते हैं तो उनकी चीजों को लेके तोड़ मड़ोड़ के उसको नेगेटिव चीजों में बदला जाता है। तो ऐसे में बाकी स्टार्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। सलमान सर की अभी फिल्म रिलीज हो रहे हैं, हो सकते है उसी अंडर प्रेशर में वो अभी तक कुछ नहीं कहा। और इससे पहले भी आप लोग को पता है कि जब शाहरुख खान और आमिर खान इंटॉलरेंस को लेके बात किए थे तब उनकी विरोध में क्या हुआ था। तो ऐसे में फिर वो ऐसे झंझट में पड़े जानबूझ के, ऐसा तो नहीं हो सकते। तो शाहरुख खान की चुप्पी मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी फैंस उनको फोर्स करे उनकी रिएक्शन के लिए।